नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत। दोस्तों, मैं अल्कोहल के नशे से पीड़ित रहा हूँ और काफ़ी बार मतलब ऐसा मेरे कुछ पिछले 5-6 सालों में ऐसा रहा कि पकड़ना छोड़ना ये चीज़ चलती रही। बट अब ये है कि भाई देखो, बार बार ये चीज़ नहीं चल पाएगी मुझे। मैं सोच रखा हूँ कि अब ये आखिरी मेरी मिस्टेक है, जो आखिरी ये पड़ाव है, आखिरी रुकावट है। नया साल आने वाला है, 2021 कदम रखने वाला है। इस नए साल से मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त रखूँ, आगे अपने जीवन को, अपने भविष्य को अच्छे से जी सकूँ। मेरे पास सब कुछ है, नौकरी है, सब कुछ है। चीज़ों को जो मैंने बर्बादियाँ करता आया हूँ, भूलना हो, हर हालत में कहीं भी किसी भी सूरत में उन सब की कोई गुंजाइश ना हो और एक आगे उज्ज्वल भविष्य की तरफ मैं बढ़ूँ। और आगे ऐसा भी हो कि मैं अगर खुद अच्छे तरीके से खड़ा हो सकूँ, एक अच्छा नशा मुक्त, अच्छा सादा, मतलब एक अच्छा सरल और बेहतरीन जीवन जी सकूँ, तो मैं दूसरों की मदद करने के लिए भी खड़ा हो सकता हूँ। तो इतने झटकों के बाद मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, बस बाकी भाइयों ने बहुत कुछ, काफ़ी कुछ कह दिया है, तो उसी के आगे मैं बढ़ते यही कहूँगा कि आगे अपने नए साल से अपने आप को एक अच्छे रूप में आगे बढ़ाऊँगा। और बाकी भले झटके खूब लगे हों, लेकिन मैं ये चीज़ एक पंक्तियों के साथ ये चीज़ को कहना चाहूँगा, जो आप जानते होंगे कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं, कि हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। और लास्ट में एक कविता है जो मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन मैं उसकी पहली और आखिरी लाइन बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है, नशेबाज कई बार कोशिश करता है, कभी वो पास हो जाता है, कुछ दिन छोड़ देता है, फिर उठा लेता है, तो लोग उससे कहते हैं यार ये तुमसे ना हो पाएगा। जैसे पिक्चर नहीं है कैंस वास्तव पर मोदी कि बहुत तुमसे ना हो पाएगा, तो ऐसा नहीं हो, बिल्कुल होगा। तो पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति बोलूंगा, बीच में डॉट डॉट है, मुझे याद नहीं अभी, बाद में कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा कि ना मैं गिरा था ना मैं गिरा हूँ, डॉट 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 डॉट, अपने हिस्से का दीपक जला के रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भी शराब के नशे से ही पीड़ित था, जिसकी वजह से मैंने अपना आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और पारिवारिक जो मेरे अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और सब कुछ था, उनको भी पीछे छोड़ दिया। जो कुछ भी मैंने खोया वो यहाँ इस समर्पण नशा मुक्ति केंद्र में आने के बाद ये पता चला कि नशे के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है, जैसे कि गरीबों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों को कुछ भोजन कराना या कुछ भी, और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से जोड़ना। बुरी चीज़ों को कल के लिए टाल देना ही हमारे लिए बेहतर उपाय है, कि अगर हम उसको कल के लिए टाल देंगे, जैसा कि हमारे निदेशक साहब ने सिखाया हमको यहाँ पर रहते हुए, कि अगर हम नशे के लिए कोई हमें बोलता गए तो उसको बोले कि कल करेंगे, तो हमेशा उससे दूर रहेंगे। इसी तरह से आगे आने वाले समय में, जैसे कि आज 24 दिसंबर है और हम नए साल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो अब आगे का मेरा यही प्लान है कि मैं इसी तरह से आगे कोई भी अगर मुझे कुछ खींचता है या मैं खुद अपनी तरफ से उस तरफ बढ़ना चाहता हूँ नशे की तरफ, तो मैं उसको कल के लिए डालूंगा, ताकि मैं अपने जीवन में इस तरह से दोबारा गलतियाँ ना करूँ, क्योंकि नशा एक गलती ही है मेरे हिसाब से।